हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लिपि क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल लिपि क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि पता है, हम लोग इंटीग्रेशन को ही कंटिन्यू करें, उसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रहा हूँ कि आपको इस चैनल पे आने का फायदा क्या है। फायदा यह है कि अगर आप इंटीग्रेशन सेल्फ लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आपको सिक्वेंस वाइज आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस मिल जाएंगे और कॉन्सेप्ट आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका एक ही काम है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलें कंटिन्यू करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो आप करेंगे। चलो जी, यहां है जो लिख रहा हूं। मैं एक पार्ट ले चुका हूं, सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, पार्ट टू ले रहा हूं। उसमें हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उन पर बेस्ट क्वेश्चन किया था। अभी इसके अंदर मैं जो लूंगा थर्ड सेकेंड नंबर का फॉर्मूला जो है वो ले रहा हूं मैं। सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या है, सेकेंड नहीं थर्ड नंबर का, वो है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो क्या होगा, इसका हो जाएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो हम इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले ले तो क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन सामने है आपके 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेस टू पावर 4 dx। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करना है। अब कैसे ये इस फॉर्म में है वो कंपेयर करेंगे, हमें आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूल्स तो वही पुराने सारे यूज करने हैं। ठीक है ना, चलिए जी यहां ध्यान से देखिए। मैं 3 को बाहर ले लेता हूं, अंदर लिखता हूं x 1, और एक और चीज काम करना है आपको, 2 भी कॉमन निकाल दीजिए आप। 2 जब आप कॉमन निकाल देंगे तो यहां आ जाएगा मेरा 1 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेस्ट पावर 2 होल पावर 2 कर दीजिए, डीएक्स कर दीजिए। क्लियर है। चलो जी, अब अपने को करना क्या है, अपने को ये करना है एक्स स्क्वायर को हम पुट करेंगे, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं यहां पर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जैसे आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट किया, अब इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा। आपको पता है ये किस तरीके से क्या पुट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का नॉलेज नहीं है तो पुराने वीडियो देख लीजिए, उसमें आप और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। डिफरेंशिएशन किया आपने एक्स के रेस्पेक्ट में तो हो गया 2x। ठीक है, ये होता है अपना डी टी अपॉन डीएक्स। डीएक्स को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ डीएक्स आता है बट मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है, ये अंडरस्टूड है, आप ट्रेंड हो गए होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2x dx बचा है, जबकि मेरे पास x dx है तो 2 को यहां अपॉन में लेके चले जाइए, तो x dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 आ गया। आई एम श्योर दिस वन इज क्लियर। अब आपको करना क्या है, आपको x स्क्वायर के प्लेस पे लिखना है t, और x dx जो आपका ये है इसके प्लेस पे राइट डाउन करेंगे डी टी अपॉन 2। तो चलिए जी अगले स्टेप में करते हैं। यहां इसके आगे 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx को तो हमने रिप्लेस कर दिया डी टी अपॉन 2 से, यहाँ आप 1 लिख लीजिए, अपॉन नीचे है 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आ गया आपका टी, एक्स स्क्वायर प्लेस पे टी और पावर 2 आ गया। मुझे लग रहा है यहां तक आप अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे आप देखिए, ये जो 2 है इसके साथ हो जाएगा तो क्या करेगा, ये 2 × 2 ये हो गया आपका 4। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1/2 को आप राइट डाउन कर दीजिए 1/√2 होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए तो यही बन जाएगा, श्योर, प्लस टी स्क्वायर और बाहर बन गया आपका डी टी। अब यहां ध्यान से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा ना हो, आप ऐसा भी लिखा हो सकता है 1/a² + x², तो ये भी देख के मत घबराइएगा क्योंकि प्लस है तो वही कंडीशन रहेगी 1/a (tan−1x/a+c). ओके, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो फॉर्मूला जो हम अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा 3/4 एज इट इज 1/a इज योर 1/√2 और tan−1x/a, x है हमारा t और a हो गया 1/√2 + c। अब आगे बढ़िए, आप जब होगा इसको ध्यान से देखिए तो क्या होगा, ये जाएगा ऊपर की तरफ तो 3√2 बन जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा tan−1t, ये ऊपर चला गया तो √2
और टी की वैल्यू आप राइट डाउन कर दीजिए, तो टी हमारा क्या था एक्स स्क्वायर, वो यहाँ ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और है, वो देखिएगा आप, थ्री रूट टू ये है, फोर को आप लिख सकते हो रूट टू सॉरी टू इंटू टू, और इस टू के फैक्टर अगर मैं करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट टू इंटू रूट टू, ठीक है, सोल्व कीजिए तो फोर ही बनेगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका जो बचा है टेन इनवर्स रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो फाइनली आपका अब आंसर आ चुका है थ्री अपॉन टू रूट टू टेन इनवर्स रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई एम श्योर यहाँ तक कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। और ये जो हमारा सम पर्टिकुलर फंक्शंस में ये वाली आइडेंटिटी समझ में आ गई ना, अगर ये आगे पीछे भी हो तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। सो कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं ये आपका थर्ड फंक्शन था जो हमने लिया, अगले लेक्चर में हम फोर्थ वाला लेकर चलेंगे, सेम पार्ट फोर, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।